आज मैं इसे नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाकर आप बाजार के कचौरी समोसे खाना भूल जाएंगे। इस नाश्ते को आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और चटनी के साथ तो इस नाश्ते का मज़ा दुगना हो जाएगा। इस नए नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूंग की दाल ली है। दाल को मैंने 2 घंटे पहले गला दिया था तो दाल अच्छे से गल गई है। अब इसे हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में। जार का ढक्कन लगाकर इसे हम दरदरा पीसेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है। अब इसे रखेंगे हम साइड में। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो तेल भी हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई और राई को तड़कने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं राई भी तड़कने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच खड़ा हरा धनिया। चलाते हुए सभी को भून लेंगे। तो दाने सभी भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा कूटकर। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे दरदरा कूट लिया है। तो सभी को चलाते हुए मैंने भून लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मसाले को 1 मिनट तक पका लेंगे। तो मसालों को चलाते हुए मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को भी हम सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी जल जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने चलाते हुए बेसन को भी सेक लिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। जो हमने मूंग की दाल को दरदरा पीस कर रखा था उसे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। स्टफिंग बनकर रेडी है और अब हम गैस बंद कर देंगे। मूंग दाल स्टफिंग को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बॉल्स बनाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो सारी बॉल्स बनाकर मैंने रेडी कर ली है। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन में हम 1 कप पानी डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम पानी में उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है। अब इसमें हम 1/2 कप चावल का आटा डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब साथ ही इसमें हम 1/2 कप सूजी डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है। तो चावल के इस आटे को हम एक थाली में निकाल लेते हैं।
अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। बस इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसे हम हाथों की हेल्प से मस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है। अब इस डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई बनाकर हमें इसे पूरी की तरह करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे पूरी की तरह बना लिया है। अब हमने जो स्टफिंग की बॉल्स बनाई थी उसे हम पूरी पर रखेंगे और इसे सभी तरफ से पैक कर लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से ही पैक करें, नहीं तो स्टफिंग बाहर भी निकल सकती है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चावल का आटा तैयार करना चाहते हैं तो चावल को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लें, इससे भी आप चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे बॉल की तरह तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, सारी बॉल्स मैंने बनाकर रेडी कर ली है। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था, तो तेल भी गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है। तो एक एक बॉल उठाकर हम कढ़ाई में डाल देंगे। 30 से 40 सेकंड तक हम इन्हें एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर इन्हें पलट देंगे। 30 से 40 सेकंड हो गए हैं, अब इन्हें हम पलट लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है, जिस तरह से हम कचौरियाँ तलते हैं बस उसी तरह से हमें इन्हें पलट पलट कर फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में इन्हें हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं सारी बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो चावल के आटे और मूंग दाल से ये बनी बॉल तैयार हो गई है। इस नाश्ते को आप मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही कम ऐसी हेल्दी रेसिपियाँ होती है जिनका स्वाद भी गजब का हो, पर आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से एक कप चावल का आटा लिया है। दो बड़े चम्मच सूजी डालेंगे, मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप मोटी सूजी भी डाल सकते हैं, सूजी को रवा भी कहा जाता है। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। अब इसमें हम एक चौथाई कप दही डालेंगे। सारी चीजों को डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही की जगह पर आप नींबू के रस का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको नींबू का रस ज्यादा क्वांटिटी में डालना होगा। तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पानी डालकर बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, आधी ग्रेट की हुई गाजर। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप छोटे छोटे पीसेस करके डालना चाहते हैं तो आप गाजर के छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। आधा कप स्वीट कॉर्न के दाने डालेंगे। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं।
अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे, आधा चम्मच डालेंगे जीरा। तो अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें कुछ सब्जियों का यूज किया है, अगर आपके पास और भी सब्जियां हैं तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं। जैसे आप इसमें हरा प्याज डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सोडे को मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पैन में हम आधा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को पैन पर अच्छे से फैला देते हैं। अब पैन पर हम चम्मच की हेल्प से बैटर डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच के समथिंग मैंने बैटर पैन में डाला है। अब इसे हम कवर कर देते हैं। और कवर करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। शीट के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसे हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शीट एक साइड से पक चुकी है। अगर आपकी शीट एक साइड से नहीं पकती है तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लें। अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे और कवर करके 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। तो ये नाश्ता दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बाकी के बचे हुए बैटर से हम नाश्ता रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आज मैं चावल के आटे से ही नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी लगता है। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप पत्ता गोभी लिया है। वेट में ये 100 ग्राम के समथिंग है। पत्ता गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। आप चाहें तो पत्ता गोभी को कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी को आप इसी तरह से बारीक कट करें तो नाश्ता ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब मैंने मेजरिंग कप से ही बारीक कटी हुई पालक ली है। पालक भी 100 ग्राम के समथिंग ही। पालक को मैंने वॉश करके कट कर लिया है। अब ये मैंने एक प्याज लिया है, प्याज को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। तो प्याज भी हम बाउल में डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच कुटा हुआ खड़ा हरा धनिया डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए। अब इसमें हम 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और साथ ही में मेजरिंग कप से 1/4 कप बेसन डाल देंगे। तो सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी में मॉइस्चर होता है और पालक में भी। हमने इसमें नमक डाल दिया है, तो नमक से पत्ता गोभी और पालक पानी जरूर छोड़ेंगे, तो इसलिए हम इसे पहले बिना पानी के ही मिक्स करेंगे। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके छोड़ देंगे। तो 5 मिनट तक इसे हम कवर करके छोड़ेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। एक बार हम सभी को फिर से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मॉइस्चर की वजह से सभी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो गई हैं। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका ये बैटर जो है गीला हो जाता है तो इसमें आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। अगर आपके पास पालक नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर और गर्मा गर्म नाश्ता रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा है। तेल भी गर्म हो गया है, अब हम नाश्ता रेडी कर लेते हैं। बैटर से हम पकौड़ा तैयार करेंगे।
तरह से मैंने कढ़ाई में पकौड़े डाल दिए हैं, बस इन्हें पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़ों को मैंने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है, अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बचे हुए बैटर से पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इन पकौड़ों को आप टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सर्दियों के मौसम में इस तरह से पकौड़े जरूर बनाकर देखें। आज मैं चावल के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी और नए नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस नाश्ते को आप सुबह शाम कभी भी बना सकते हैं। इसे बनाकर आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है, आलू का छिलका उतार लिया है। तो आलू को हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए मैंने इस वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। तो आप इसे बारीक वाले ग्रेटर की हेल्प से कद्दूकस कर सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो काले नहीं पड़े। आलू को पानी में रखने से आलू काले नहीं पड़ेंगे। आलू के लच्छे को पानी में ही रहने देंगे, इससे जो इनका सारा स्टार्च है वो निकल जाएगा। और इसे 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे। गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल भी गर्म होने लगा है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा। दानों को तड़का लेंगे। दाने भी तड़क गए हैं, अब इसमें बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता भी तड़कने लगा है, तो अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अपनी डाइटिंग में करी पत्ते को जरूर शामिल करें। करी पत्ते खाने के बहुत फायदे होते हैं। करी पत्ता आँखों और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद जाएगा स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह पर आप हरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस की जगह पर आप चाट मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अगर चाट मसाला पाउडर भी नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल दें। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और पानी को बॉईल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी भी बॉईल होने लगा है। अब हमने जो आलू के लच्छे करके रखे थे उसे हम पैन में डाल देंगे। लच्छों को मैंने पानी में रखा था तो ये काले नहीं पड़े हैं। सारे लच्छे निकाल कर पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। आलू के लच्छे को मैंने 2 से 3 पानी से वॉश भी कर लिया है। आप देख सकते हैं जो लच्छे हैं वो एकदम साफ दिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो इन्हें 1 से 2 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट तक मैंने आलू को पानी में बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम 1 कप चावल का आटा डालेंगे। आज हम जो नाश्ता बना रहे हैं वो चावल के आटे से बना रहे हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी को मिक्स कर लेंगे। इसे डो की तरह तैयार करना है। चावल के आटे से बहुत तरह का नाश्ता बनता है। अगर आप चावल के आटे से बने नाश्ते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। मैंने बहुत सी रेसिपियां चावल के आटे से बनाई है और शेयर की है। सारी रेसिपियां बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो चावल के आटे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे मिक्स करते हुए मैंने डो की तरह तैयार कर लिया है। अब गैस बंद करेंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके 2 से 3 मिनट तक
स्टीम होने के लिए छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो डो को मैंने बाउल में निकाल लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे। तो जो डो है वो अभी थोड़ा गर्म है, अगर आपको गर्म लगता है तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद इसे अच्छे से मैश कर लें। जब भी आप अपने घर पर इस नाश्ते को बनाकर खिलाएंगे तो ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। मेहमानों के आने पर भी उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। सभी इस नाश्ते को दोबारा बनाने को ज़रूर कहेंगे। तो डो को मैंने मसल मसल कर चिकना कर लिया है। अब मैंने एक पेड़ा लिया है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और डो को पेड़े पर रखेंगे। हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से इसे फ्लैट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हल्का सा बेल भी सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ से इसे अच्छे से सेट कर लिया है और इसे इस तरह से रेडी कर लिया है। अब चाकू की हेल्प से इसे हम कट करेंगे। मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। इसे आप स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। जो शेप आपको पसंद हो आप उस शेप में इसे कट करें। सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब एक पीस मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर कर निकाल लिया है। गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पैन में मैंने तेल डाल दिया है। तो तेल डालकर हम इस नाश्ते को सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते को सेलो फ्राई करूँगी। तो एक एक पीस उठाकर हम पैन में रखते जाएंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें 1 से 2 मिनट तक सेलो फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें हम पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये हल्के से फ्राई हो गए हैं, दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे और पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो सारे पीसेस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म चावल के आटे से नाश्ता बनकर तैयार है। इस नाश्ते को आप मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सुबह शाम आप इस नाश्ते को कभी भी बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। चावल के आटे से बना ये नाश्ता सभी पसंद करेंगे। तो एक बार इस नाश्ते को तो बनाना बनता ही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।